हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मॉड्यूलर किचन। जो मॉड्यूलर किचन हमने जो तैयार की है, इसको तैयार करने में कितना टाइम लगा और कितना एक्सपेंस है, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर को, साथ में बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको किचन का एक बार टूर करा देता हूं। जो हमारी किचन बनी है, ये बनी है हमारी मॉडर्न किचन, वुड से हमने तैयार की है, खुद हमने किचन को तैयार की है। इस किचन की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे बने हैं हमारे दो बक्से सॉकर के साथ। यहाँ पे हम कोई भी सामान रख सकते हैं, साथ ही हमारा चिमनी पॉइंट साथ है। जो आप चिमनी देख रहे हो दोस्तों, ये चिमनी हमारी टचिंग वाली चिमनी है, और सेंसर के साथ हमारी चिमनी ये चलती है। ऑन ऑफ हमारी सेंसर के साथ और टच के साथ चलती है। ये बहुत ही क्लासिक, बहुत ही प्यारी चिमनी हमें यहाँ पे लगाई गई है। इसके साथ फिर हमने दो पल्लों के साथ एक कबर्स दी है, जो कि ये भी सॉकर के साथ ओपन होते हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक कबर्स और आ जाती है सिंपल पल्ले के साथ। अगर आप देखिए, साथ में इसमें एक स्लेब बीच में हमने कांच की दी है। अगर आप बात करें, यहाँ पे हमारी एक बड़ी विंडो आ जाती है सिंक्स के ऊपर, साथ ही विंडो के साथ हमारी फिर GTI कैबिनेट आ जाती है। ये GTI कैबिनेट जो हमारी है, ये हमारे जो बर्तन हम धोते हैं, प्लेट्स वगैरह जो भी है, कांच का या प्लेट्स या जो भी स्टील का बर्तन धोते हैं, उस बर्तन को हम गिल्ला बर्तन जो होता है इसके अंदर रख सकते हैं। और इसका जो पानी है, जो सारा निचुड़ के जो हमारे नीचे ट्रे आ जाती है, जो ये देखो, ये ट्रे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस ट्रे के अंदर हमारा सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बाहर निकाल के हमारा सिंक में डाल सकते हैं। इसके साथ ही फिर हमारी एक यहाँ पे बड़ी कैबिनेट हमने दे दी है दो पल्लों के साथ, ये देखो फ्रेंड दो। और उसके साथ ही एक स्लेब बीच में डाल दिए, यानी डबल कैबिनेट है, बीच में एक पाश देने के बाद यहाँ पे कांच की स्लेब। साथ ही हमारी पेंट्री आ जाती है दोस्तों। ये हमारी पेंट्री की कैबिनेट बनी है, जो ऑलरेडी बनी बनाई है कैबिनेट जो होती है हमारी, ये हमें परचेज करनी पड़ती है। साइज़ के हिसाब से हमारी मिल जाती है, जितने भी साइज़ की हम लोगों ने हमारी जो पेंट्री बनानी हो तो के हिसाब से मिल जाती है। 2 फुट में मिल जाती है, 2.5 फुट में मिल जाती है, 18 इंच में मिल जाती है। और इसकी जो आप ये स्लेब देखते हो, ये दोस्तों रिमूवर यानी एडजस्टेबल होती है। इसको हम जितना भी हम चाहे ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से हम यहाँ पे इसको एक रख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारी कितनी स्लेब्स बनी हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्लेब के साथ हमने यहाँ पे पेंट्री की यहाँ पे दी गई। और इसी तरह से अंदर भी हमारी बाद में हमारा प्रोफाइल हैंडल के साथ पल्ला लग चुका है, और साथ में कैबिनेट के साथ यहाँ पे शटर वाली कैबिनेट हमारी आती है, जैसे शटर टाइप्स में एक कांच का जो शटर बना होता है इसके साथ अपना। और इसमें भी हमारे यहाँ पे कांच की दो स्लेब लगने वाली है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा ऐसे क्लोज हो जाता है, और इसी तरह से हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाता है। साथ में ओपन कैबिनेट हमने यहाँ पे एक और दे दिए, और इसके नीचे हमने जो यहाँ पे एक ड्रॉ दे दिया है 4 इंच में, देखिए फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो स्लेब का, सॉरी किचन का नीचे वाला हिस्सा। यहाँ पे एक हमने बास्केट दिया है, प्लेन बास्केट, ये देखिए ये 4 इंच में दी है। और इसका हैंडल की बात करते हैं, प्रोफाइल हैंडल हमने यहाँ पे पूरी किचन में यूज किया है, बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही प्यारा प्रोफाइल हैंडल यहाँ पे यूज किया गया है। साथ में हमारे पास यहाँ पे नीचे आती है 8 इंच में, और इसके साथ में नीचे वाले भी 8 इंच की यहाँ पे हमारे पास बास्केट आ जाती है। ऊपर फिर हमारे यहाँ पे 4 इंच में, यानी 20x4 की हमारी एक बास्केट यहाँ पे यूज की है। ये नीचे हमारा आ जाता है यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा बड़ा ड्रम होता है, जिसमें आटे का ड्रम होता है, आटे के ड्रम के लिए कि यहाँ पे हमारी बास्केट बन जाती है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ऊपर नोजल देख रहे हो, यहाँ पे हमारा चूल्हा, चूल्हे के बिल्कुल नीचे हमने कैटलरी दी है। ये देखो कैटलरी की बास्केट यहाँ पे
हमने चूल्हे के बिल्कुल नीचे दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों हमारे आ जाती है कि यहाँ पे देखिए 8 इंच में प्लेन बास्केट्स, इसके बिल्कुल नीचे फिर हमने एक 8 इंच में प्लेन बास्केट दी है। और ये इसके साथ हमारा बनता है फ्रेंड्स कॉर्नर्स। ये कॉर्नर हमने बिल्कुल सिंपल कॉर्नर्स यहाँ पे दिया, यहाँ पे छोटा बड़ा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही हमारा सिंक के नीचे 2 पल्लों के साथ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे डस्टबिन यूज़ किए गए हैं, दोनों डस्टबिन हमारे रिमूविंग है। इसी तरह से हम इसको बाहर निकाल के हमारा जो भी कचरा हमारा होता है इसके नीचे हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे हमारा सिंक्स, 2 डबल सिंक्स लगे हैं। सिंक का यहाँ पे दोनों सिंक्स की हमारी पाइप ज्वाइंट होके सिंगल एक हमारी यहाँ पे नीचे वेस्ट वाटर में चली जाती है। ये देखो दोस्तों, इसके साथ बिल्कुल साथ हमारा एक पल्ला बनता है और पल्ले के बिल्कुल साथ ही हमारा यहाँ पे कॉर्नर्स आ जाता है। इसको ओपन करिए, ये देखो ये हमारा बड़ा कॉर्नर्स बनता है। कॉर्नर्स की यहाँ पे बास्केट हम लोगों ने जो हमारे रेडीमेंट आती है उसके हिसाब से हमें 2 कॉर्नर बास्केट यहाँ पे यूज की गई है। इसके बिल्कुल साथ ही जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया पेंट्री, हमारे पेंट्री का बॉक्स यहाँ पे बना है, ये देखिए फ्रेंड। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी पूरी किचन की सिंक से दिया, कहाँ पे सिंक है। ये देखिए ये बास्केट, सॉरी जो टैब दिया है हमने यहाँ पे, ये दिया गया हमारा एक, इसमें टैंकी का पानी आ जाता है और साथ ही हमारे इसमें आ जाता है गीजर का पानी। और ये देखिए ये वाला हमारा आ जाता है टैंकी का पानी के लिए, ये हमारी आ जाती है फ्रेश वाटर के लिए जो कि अभी नहीं आया है। ये देखिए अब ये साथ में जो सिंक हमने दिया, डबल में सिंक दिया, ये हमारी 48x24 की सिंक यहाँ बनी है, यानी 4x2 फुट की हमारी सिंक लगी। यहाँ पे देखो नीचे की यूनिक सी चीज़ दी है, इसको अगर हम थोड़ा बंद करेंगे तो हमारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इसका हमें बेनिफिट्स क्या है, अगर हमने कोई बर्तन वॉश करने हैं तो हमने अलग से कोई बर्तन लेने की जरूरत नहीं है, पानी इकट्ठा करके अपने बर्तन वॉश करके हम यहाँ पे करते हैं और पानी इकट्ठा होने के बाद इसको उठाने के बाद सारा पानी हमारा नीचे चला जाता है। साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट मिलती है जो कि हमारा स्पून वगैरह रखने के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, आपने को मैंने पूरी किचन का टूर कराया है, विश्वास है आपको मेरी किचन अच्छी लगी है। अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस दोस्तों देखो, अगर लेबर लेते हैं 350 रुपये विद मटेरियल हमारी ये बास्केट जो किचन बनती है ये करीबन आपको बन जाएगी 1700 रुपये पर स्क्वेयर फुट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं इस किचन की सीलिंग की। यहाँ पे जो सीलिंग की गई है ये कही है हमने पीओपी से, बहुत ही यूनिक सी बड़ी सिंपल सी यहाँ पे सीलिंग की है, जिसमें सेंटर हमने डाउन की है और साइडों में दुपट्टा डाल के हमने उसको डाइन के बीच में कॉप लाइट भी दे दी है। विश्वास है दोस्तों पूरी किचन आपको अच्छी लगी है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इंटीरियर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।